Hello friends, I'm Chinchin and today we discuss third method of time series. First method hamara freehand curve method tha, second tha semi average, ye hamara hai third method moving average. Is method ki speciality kya hai, मतलब इस मेथड में क्या है, हम ओवरऑल आइडिया लग जाते हैं ट्रेंड के बारे में, डेटा का क्या ट्रेंड है. इसमें हम 3 ईयर्स को कंपेयर करते हैं जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं ट्रेंड्स को. हेल्पफुल होते हैं ट्रेंड्स को फोरकास्ट करने के लिए. जैसे हमारे पहले वाले मेथड्स के दो था, ओड एंड इवन, इसमें भी ओड एंड इवन है. तो ओड पीरियड, ओड पीरियड में हम क्या करते हैं, ओड पीरियड मतलब 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, जो दो से डिवाइड ना हो वो हमारा होता है ओड पीरियड. तो ओड पीरियड मूविंग एवरेज का एक एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, देन मैं आपको इसके स्टेप्स भी हमें एग्जाम्पल में क्लैरिफाई होते रहेंगे. हमारा बेसिकली जब भी ओड पीरियड की बात आती है तो 3 ईयर्स होते हैं या 5 होते हैं या 7 होता है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने 3 ईयर्स दिखाया है, देन इनिशियली मैंने 5 और 7 ईयर्स भी आगे कैलकुलेट किए हुए हैं. चलो 3 ईयर्स से स्टार्ट करते हैं. ये हमारे ईयर्स दिए हुए हैं 81, 82, 83, 84 एंड 85, राइट. ये प्रोडक्शन दिया हुआ है थाउजेंड्स में, 10,015 हमने बेसिकली उनको नंबर्स में लिखा है, 10, 15, 20, 40 एंड 50. नाउ मूविंग एवरेज में क्या होता है, हमें 3 ईयर्स लेने होते हैं, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज में, 1, 2 एंड 3, ये 3 ईयर्स. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट कॉलम ब्लैंक जाएगा, इनका जो मिड में आता है, मतलब जैसे कि 15 मिड में है तो उसके सामने हम लिखते हैं, ठीक है, इन तीनों का टोटल 15, 10, 15 और 10, 25, 25 और 10, 45, यानी 45 हमने लिख दिया यहाँ पे, किसके आगे, थर्ड सेकंड ईयर के आगे. वैसे ही हमने इन तीनों का टोटल किया, इन तीनों का टोटल हमने किसके आगे लिखा, 20 के आगे, 75. फिर इन तीनों का क्या, वो 110, मतलब लास्ट वाला भी ब्लैंक रहेगा. मतलब इसकी सिंपल सी एक क्राइटेरिया है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमेशा ब्लैंक फॉर्मेट में रहेगा अगर हम 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं. 5 ईयर और 7 ईयर वो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो इसको हम सिंपल डिवाइड कर दिया 3 से डिवाइड करके ये हमारी वैल्यूज आ गई. इसको सिंपली ग्राफ में प्लॉट कर देना, ग्राफ में शो कर देना जो हमारा एक ट्रेंड शो करेगा, दैट्स ऑल. इतनी सिंपल सी कैलकुलेशंस है. ये मेथड टफ नहीं है, बहुत इजी मेथड है, हमें सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और कुछ नहीं है. 3 ईयर्स में हमने 3 का लिया, वही 5 ईयर्स में. चलो अभी मैं आपको 5 ईयर्स वाला दिखाती हूँ, लेट्स शो यू 5 ईयर्स. ये देखो 5 ईयर्स और 7 ईयर्स, मैंने सिंपली डिवाइड भी यहीं पे कर दिया. 5 ईयर्स में डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 7 ईयर्स में डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा. तो इन तीनों का टोटल करके देखो हमने लेना है 5 ईयर्स का, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे ईयर्स है, हमें 5 ईयर्स काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5 ईयर्स है. तो 5 ईयर्स में मिड में कौन सा आया, हमारा 3 आया ना, उसके सामने लिखेंगे. मतलब इसमें स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो, देखो आप इसको लिख नहीं रहे शायद, स्टार्टिंग के दो को छोड़ेंगे और लास्ट के दो को भी छोड़ेंगे, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी. और बाकी वही सिंपल 5 को ऐड किया इस थर्ड वाले के आगे लिखा, फिर ये 5 को ऐड किया तो 4 के आगे आ गया, इन 5 को ऐड किया तो 5 के आगे आ गया. तो ये क्या बन गया, 3, 3.6, 3.8, 3.6, 3, ये हमारी सीरीज बन गई. वही 7 ईयर्स में हम 7 ईयर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो वो किसके आगे आएंगे, 3 ऊपर से छोड़ा, 3 नीचे छोड़ा, 4 के आगे, 4 के आगे, 5 के आगे और इस 4 के आगे, मतलब ये 3 कंटिन्यूटी में आया, दैट्स ऑल. ये तो हमारा हो गया ओड में. ओड में हमारा सिंपल है कि हमें 3 ईयर्स के आगे डायरेक्टली लिख देते हैं. लेकिन जब हम इवन की बात करते हैं, मतलब हमें 4 का ग्रुप बनाना है, 4 के ग्रुप में हम कहाँ पे लिखें, क्योंकि 2 ऊपर से छूट जाएंगे, 2 नीचे से, देन कहाँ लिखेंगे, तो वो हम अभी नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस में देखते हैं. देखो ये वेटेड एवरेज वाला है, इवन वाला है, ठीक है, लेट्स सी. देखो इसमें सिंपलीफाई है, इवन के टर्म में कैसे इसको सॉल्व करते हैं. इवन की टर्म में हमें क्या करना होता है, 4 ईयर्स और 2 ईयर्स का क्वार्टर बना के चलते हैं. जस्ट अ सेकेंड, आई विल सेट आउट इट. नाउ ये सेट हो चुका है, लेट्स स्टार्ट. देखो
फोर इयर्स का है. हमने क्या किया, 1 2 3 4, इन 4 इयर्स की सेल्स इतनी हुई है, 1 2 3 4. इस सेल्स को हम 2 यहाँ से छोड़ेंगे, 2 यहाँ से छोड़ेंगे, मतलब ये बीच में आएगा यहाँ पे. ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज कह लो, डिसएडवांटेज कह लो, कुछ भी, बट ये मिड में आएगा. मतलब ये कहाँ आएगा, 1996.5 पे, ऐसे ही 1997.5 पे. फिर हमने क्या किया, ये तो 4 4 ईयर्स के टोटल के, फिर हमने 2 ले लिए. मैंने यहाँ पे क्वार्टर टोटल लिखा हुआ है, आप सिर्फ 2 ईयर्स टोटल कर सकते हैं. तो इन दोनों को टोटल करके लिखेंगे ताकि वो बीच में ना आके एक नंबर के सामने आ जाए. मतलब अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है, ठीक है, तो इनका टोटल इसके सामने आएगा ना, 1997 के सामने, ठीक है, ये 1997 के सामने आएगा, ये 98 के सामने आएगा, ये 99 के सामने आएगा, ये 2000 के सामने आएगा. ये हमने क्यों किया, पहले हमने 4 इयर्स का, क्योंकि हमें इवन दिया हुआ है, इवन पीरियड है, इसलिए हमने ऐसा किया है. अगर ओड होता तो सिंपल हमें नंबर मिल जाता, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अभी हमारा इवन है, तो इवन के केस में हमें क्वार्टर ऐड करना पड़ता है. फिर इसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, फिर हम डिवाइडेड बाय 8 किया और हमारी ये 3 4 वैल्यूज आ गई, दैट्स ऑल. इन 4 वैल्यूज को हम प्लॉट कर देंगे और इसका टोटल, ये किसके आगे आएगा, ये किसके आगे आएगा, ये चीज़ जो है ये हमारे जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है. देखो 1997 के आगे हमारा 503 आया था, ठीक है, तो ये 503 वाला जो ये है 16.08, ये हम कहाँ प्लॉट करेंगे, 1997 पे. मतलब सिंपल ग्राफिक हम कैलकुलेशन देखें तो ये 1997 पे हम इसको प्लॉट करेंगे. मतलब बेसिकली हमसे कैलकुलेशन ग्राफ्स नहीं पूछे जाते हैं. अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें, अगर हमें प्लॉट करने पड़े तो हम इस मेथड से प्लॉट, इस तरीके से प्लॉट करेंगे इसको, ठीक है. बेसिकली हमसे कैलकुलेशन पूछी जाती है, मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन कैसे होगी, दैट्स ऑल. इसमें अभी एक आता है हमारा वेटेड एवरेज. वेटेड में कुछ नहीं है, सेम है बिल्कुल, 3 इयर्स का लिया हुआ है, इसमें हमें वेट और असाइन कर दिया 141, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 + 4 × 4 + 6 × 1 = 24, वो हमारा 4 के आगे आ गया. वही है, 3 इयर्स लिए बट उसको मल्टीप्लाई किया उनके वेट से, राइट. और वेट का टोटल क्या है, 6 सब जगह लिखा और डिवाइड हमारा 6 से होगा, पहले हमारा 3 से होता था बट इसमें वेट से डिवाइड होगा. ये सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, डब्ल्यू वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू. और ये हमारा हर एक जगह यही आता है, जब भी हमारा वेटेड की बात होती है तो 90% केसेस में हम ऐसे सॉल्व करते हैं. हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.